भाजप प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल नो कार्यकरो ने मंत्र नीति अने धर्म मा न मानना राजकारण मा न आवे। राजकारण लोकोनी सेवा माटे थाय छे, केटलाक लोको राजकारण मा आवीने पटकी जाय छे तेવું પણ સી આર પાટિલે જણાવ્યું। अपनी ओर से जो भी दे सके और देने के बाद भी संतोष के बजाय और देने की भावना मन में प्रज्वलित रखे, ये अत्यंत आवश्यक है और यही बात हमें आचार्य महाश्रवण जी ने यहाँ पर की है। उन्होंने समाज को नीति पर चलने के लिए भी वो आग्रह करते हैं, क्योंकि नीति पर चलना समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर वो नीति में नहीं मानता, वो धर्म में नहीं मानता, तो उसने पॉलिटिकल इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सेवा के भाव के साथ आते हैं। कई बार उदाहरण होते हैं, कई लोग भटक जाते हैं, मगर भावना जो होती है मूलभूत, वो तो सेवा की होनी चाहिए और सेवा के साथ नीति पर चलने की बात होनी चाहिए। और इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर कोई राजा, कोई कार्यकर्ता, अभी तो कोई राजा रहे नहीं, मगर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो अगर धर्म में आस्था नहीं रखेंगे तो कोई भी कार्य करेंगे तो उनको डर नहीं रहेगा, वो अनीति पर चलेंगे तो भी उनको कोई डर नहीं रहेगा। अगर वो धर्म में उसको आस्था है तो जरूर नीति पर चलेगा, और नीति पर चलेगा तो समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। और इसीलिए नीतिमत्ता पे समाज को आगे चलना चाहिए। बाकी जो समाज में जो भी जवाबदारी लोग लेते हैं, जो भी व्यक्ति आता है, वो तो सभी समाज में से ही आता है। तो भाजप प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल नो कार्यकरो ने मंत्र नीति ने धर्म माने तेज राजनीति मा आवे तेवी सी आर पाटिले टकोर करी। राजकारण लोकोनी सेवा माटे छे, केटलाक लोको राजकारण मा आवीने भटकी जाय छे तेवू पण सी आर पाटिले जणाव्युं हतुं। नीति ने धर्म माने तेज राजनीति मा आवे तेवू जणाव्युं। जे धर्म अने नीति मा नथी मानतो तेवू भटकी जता होय ते प्रकारे दाव पण सी आर पाटिले कर्यो।